एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 2। आज काफी ज्यादा लेट हो गया मेरे को सोकर उठने में, मतलब अभी नहीं उठी हूँ मैं। उठी थी मैं 9:30 के करीब, और घर के काम करने में काफी लेट हो गया। काफी लेट में फ्री हुई तो बस फोन चलाया, टीवी देखा, और मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वरना और लेट हो जाएगा ब्लॉग स्टार्ट होने में। और अभी थोड़ी देर मतलब आराम करने के बाद मुझे फिर से किचन में जाना है, बिकॉज लंच बनाना है, लंच करना है, करवाना है दिया को। देखो बच्चों के साथ ना सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। चाहे घर में 2 जने हो चाहे 1 जने हो, पूरा प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और अभी स्कूल भी चालू हो रहे हैं तो और भी सारी चीज़ें मुझे देखनी है। इसका बैग निकालना है, होमवर्क सारा पूरा हो चुका था तो मैंने इसका बैग उठा के रख दिया था, क्योंकि सोना भी आई हुई थी तो ये इंजॉय कर रही थी उसके संग। फिर इधर से उधर जाना आना लगा हुआ था, इसकी चाची के घर भी गई थी मैं, बड़ी मम्मी के यहाँ भी गई थी, तो मैंने इसका बैग उठा के रख ही दिया था। और अभी फिर से निकाल के चेक करती हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर इसकी जगह पे है या नहीं है। बॉटल्स निकालनी है इसकी, वॉश करके रखनी है, वॉश करके मैंने रखी थी, फिर से करूँगी। टिफिन निकाल के सारे लगा के रखने हैं, क्योंकि बस अभी 1 तारीख आने ही वाली है। और मेरे को मम्मी पापा दोनों की जिम्मेदारी निभानी होती है, दोनों की जो टेंशनें होती है ना उनके उनके दिमाग में, वो सारी मेरी टेंशन एक ही दिमाग में चलती है, मम्मी वाली भी पापा वाली भी। लोग सोचते होंगे कि सिंगल लेडी है, घर में कोई काम नहीं है, हस्बैंड होते हैं तो उन्हें ऑफिस भी भेजना पड़ता है, उनको उनके लिए प्रॉपर डिशेज भी बनानी पड़ती है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मेरे हस्बैंड नहीं है तो मुझे कोई काम नहीं है, मेरे पे बहुत सारे काम है, मम्मी के भी और पापा के भी, दोनों की जिम्मेदारी मुझे निभानी पड़ती है। मैं घर भी चला रही हूँ तो मैं नौकरी भी कर रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ, जो भी है जो भी काम मैं कर रही हूँ। और ये मम्मी वाली टेंशन है मेरे दिमाग में, तो पापा वाली टेंशन भी है कि 3 महीने की फीस जा चुकी थी, अभी फिर से जो है स्कूल जाएगी तो और भी सारे खर्चे जो निकल के आएंगे वो करके रखना है, वो हिसाब किताब मेरे दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाता है। और सुबह स्कूल के लिए ये तो पहले उठती है, बाद में उठती है, मैं पहले उठती हूँ 1 घंटा पहले, मुझे नाश्ता बनाना होता है, फिर इसको उठाना पड़ता है, और उठाने के बाद तैयार करना पूरा, फिर इसको नाश्ता कराना, पापा की तरह स्कूल छोड़ के आना। बहुत सारी लेडीज़ जो है इस तरीके के काम करती होंगी, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ, जो मुझे बोलते हैं कि मुझे कोई काम नहीं है, तो मुझे आपसे भी ज़्यादा काम है। आप एक फ़ोन घुमाती होंगी अपने हस्बैंड को कि ये ले आना वो ले आना, वो चीज़ें हाजिर हो जाती होगी, क्योंकि हमारे पापा भी लेकर आते थे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करते थे। दीपक तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम से दिया स्कूल ही नहीं जाती थी, लेकिन हाँ चीज़ें मैं मंगवाती थी वो हाजिर हो जाती थी। मेरे को पता है सारी चीज़ें, है ना। तो अभी क्या होता है, कोई चीज़ चाहिए भी होती है ना, मैं बहुत सोचती हूँ अभी जाऊँ, शाम को जाऊँ, कल जाऊँ, आज जाऊँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो अकेले ना जिम्मेदारी डबल ही हो जाती है, कम नहीं होती है। खाना तो देखो तब भी बनता है ना, ऐसा तो है नहीं कि हस्बैंड नहीं है तो खाना नहीं बनता, खाना पूरा प्रॉपर बनता है, भले ही क्वांटिटी कम होती है लेकिन खाना पूरा प्रॉपर बनता है। और टेंशन स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उसके साथ साथ रहती है। तो चलो मैं जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ लंच, और करेंगे फिर से थोड़ी सी और बात करेंगे। आज थोड़ा सा मूड भी खराब है, और आंखें देख के आप मेरी समझ ही गए होंगे। बाकी लाइफ देखो चलने का नाम है, लाइफ चलती रहती है, कितना भी हम रो लें कुछ भी कर लें, कुछ चीज़ें दोबारा से ठीक नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें दोबारा से लौट कर नहीं आ सकती, ये एक जीवन की सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, किचन में आ गई हूँ मैं, थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, कोफ्ते बनाए थे कल मैंने रात को, लौकी के कोफ्ते, तो मैंने कहा चलो लंच में आज ये ही खा लेते हैं, दिया और मेरे लिए जो है इनफ हो जाएंगे। हल्की सी ग्रेवी कम थी तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ी देर इसको पका लूंगी, और साइड में जो है रोटियां बच जाएगी, तो आज का लंच हमारा यही हो जाएगा, साथ में खीरा भी कट कर लूंगी मैं। और अभी देखिए लाइट भी चली गई है और सब्जी मेरी हो गई है, तो गैस को बंद कर देती हूँ। और सेब लेकर आई थी मैं रात को, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से साइज के हैं, बड़े से क्यूट से लग रहे थे, ये देखो बहुत छोटा साइज है ये एप्पल का, तो इनको भी जो है मैं वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज दिया जो है इसको ऐसे ही खाना स्टार्ट कर देगी। ये देखो बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, और साथ में मैंगो भी लेकर आई थी, दियो मैंगो भी निकाल लो, उसको भी वॉश कर देंगे हम।
तो इसमें पानी भर लेती हूँ इस बर्तन में और इसके अंदर मैंगो को रख दूंगी डिप करके। बहुत छोटे छोटे से मैंगो मिल रहे थे, सारे मैंगो रख देती हूँ। थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही रख देंगे, थोड़ी देर क्या मतलब 2 से 3 घंटे तक तो सही रहता है, क्योंकि इनकी तासीर कहते हैं गर्म होती है, तो इनको ऐसे रख दो तो ठीक रहता है, फिर उसके बाद खा लेने चाहिए फ्रिज में ठंडे करके। अभी जो है मैं बर्तन को क्लीन कर लूंगी, क्योंकि बहुत थोड़े से हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना तो घबराहट होने लगती है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं बर्तन को क्लीन। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी सारे धुल चुके हैं और मैंने फ्रूट्स जो है अपने यहाँ पर साइड में रख दिए हैं, मैंगो और एप्पल। एप्पल बहुत क्यूट लग रहे हैं, मैं इसलिए आपको बार बार दिखा रही हूँ, देखो बहुत छोटा साइज है, बहुत ही ज्यादा, मैंगो से भी छोटे छोटे हैं ये। सो रोटियां भी देखिए मेरी बन ही चुकी है, बर्तन धोने के बाद मैंने फटाफट से रोटियां बना ली और लाइट भी आ गई है, तो आराम से एसी में बैठ के हम लोग खाना एंजॉय करेंगे। अब किचन फटाफट से साफ करके मैं खाना सर्व कर लेती हूँ। सो देखिए मैंने खाना जो है अपना और दिया का लगा लिया है और ग्रेवी देखिए इसमें अभी भी बहुत कम है, बट कोई नहीं अब हम खा लेंगे जैसे तैसे। ये देखो मेरी दिया चश्मा लगा के खाना खा रही है, मैं अपना खाना खा चुकी हूँ और इसको खिलाने में अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि दिया जो है क्या करती है देर में खाती है, मुंह में साइड में रख के बैठ जाती है खाना, सोना दीदी की तरह, दोनों ही 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लेती है खाना खाने में, है ना। आ करो आ, आ। तो दिया को जो है मैं खाना खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। सो फ्रेंड्स दिया ने खाना खा लिया है, खा लिया, और मैं इससे कह रही हूँ थोड़ी देर के लिए सो जाओ, कल ये शाम के टाइम पर 5 बजे के टाइम सोना सोना कर रही थी और सो भी गई थी, और उस टाइम चली गई थी लाइट, मैं बाहर खड़ी हुई टाइम पास कर रही थी, कोई काम भी नहीं हुआ इसके सोने के बावजूद भी, ना खाना बनाना कुछ, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी लाइट जाते ही, बस अंदर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, और ये बेखबर सो रही थी गर्मी में कंबल ओढ़ के। और कल मैं दियू को घुमा के लेकर नहीं आई, बस थोड़ा मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वही इसका थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया, और आज मेरा बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं है, तो आज तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना, कल चलेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। और इसे मेरे पैरों के पास बहुत सारा सामान फैला रखा है, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो दिया ने कितना सारा सामान जो है मेरे पैरों के पास फैला रखा है, ये इसकी खेलने की चीजें हैं, ये देखो ये कैस्टर ऑयल से खेलना होता है तुम्हारा, और ये सफोला का हनी लेकर बैठी हुई है, नमक भी ले रखा है, और ये क्यों ले रखा है, गलत बात है ना, और इसमें क्या क्या है, इसमें भी चम्मच भी है, पैसे भी है, नींबू भी है, क्या कर रही हो, नकली भी है असली भी है, है? और ये मेजरिंग कप भी ले रखा है, और ये इतनी सारी बुक्स लेकर बैठी हो क्यों भाई, क्या खेल रही हो ऐसा। और दियो देखो हमारी सोफे पे भूतनी बन के लटक गई भूतनी भूतनी बन के लटक गया काका, है भाई क्या खेल रही हो तुम, ऐसे कौन सा खेल खेल रही हो, ये घर बेबी बेबी खाना खाना शॉपिंग शॉपिंग, अच्छा ये वाला खेल हो रहा है, हम भी बहुत खेलते थे पूरा घर फैला के, हम दुकान दुकान वाला खेलते थे, सारा पुराना सामान बेचते थे हम। और ये मेरा न्यू है, ये भी लेके बैठी हुई हूँ, अभी तो मम्मा ने यूज करना भी शुरू नहीं किया, ये क्या है, डिओड्रेंट है। और ये देखिए हमारी दिया जो है नाना नाना करते करते भी आखिरकार सो ही गई है, तो इसको मैं अच्छे से सुला देती हूँ, फिर उसके बाद अपना जो शाम का काम है ना वो भी निपटा लेते हैं, 5 बजने वाले हैं और फिर से ये कल वाले टाइम पर ही सो गई है। इतनी कोशिश करो ना कि बच्चे शाम के टाइम ना सोए, बच्चे शाम के टाइम ही अनचके सो जाते हैं, तो इसको मैं सोने देती हूँ, अभी 4:45 हो रहे हैं, इसको मैं 5:15 बजे उठा दूंगी, तब तक मैं एक दो काम निपटा लेती हूँ, दाल वगैरह बॉयल करूँगी, बस आटा गूंद के रख दूंगी, चावल देखती हूँ, चावल खाने हैं तो भिगो के रख दूंगी, उसी टाइम बनाऊंगी, अभी बना के रख दूंगी ना तो अजीब से हो जाएंगे, क्योंकि जीरा राइस बनाऊंगी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, और
आज है 28 जून, आज मेरे पापा को गए हुए पूरे 2 साल हो गए। मैं यूट्यूब पर ही थी जब मेरे पापा बीमार हुए, फिर मेरे पापा हमें छोड़ के चले भी गए। बहुत सारे लोग जुड़े थे उस टाइम भी मेरे साथ, और काफ़ी सारे लोगों ने जो है मेरे पापा के लिए प्रे भी करी थी, ठीक होने की भी, बाद में जो है उनके लिए मतलब दुआएं भी करी थी उनकी आत्मा की शांति के लिए जब पापा चले गए थे। बहुत साथ दिया था सब लोगों ने उस टाइम पे भी। ऐसा लगता है अभी की बात है, 2 साल मतलब निकल गए पापा के बिना। ऐसा लगता है सब कुछ अभी हुआ, मतलब कोरोना हुआ, पापा बीमार हुए, इतनी मुश्किल से ट्रीटमेंट मिलता था, दवाइयाँ मिलती थी, खाने पीने को भी बहुत मुश्किल से मिलता था। पापा बहुत अजीब से हो गए थे, बहुत अजीब सी हालत हो गई थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है वो 28 जून 2020 वाली तारीख। मैंने एक दोपहर के टाइम पे मेकअप वीडियो शूट किया था, राखी ने मेरा मेकअप किया था, और मैंने ब्लैक कलर का टॉप पहना था। फर्स्ट टाइम मैंने शायद मेकअप किया था इतना ज़्यादा, मैं मेकअप वगैरह नहीं करती थी उस टाइम पर, तो मेरा मतलब ज़रा सा भी मेकअप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था, सब लोग देखना चाहते थे मैं मेकअप में कैसी लगती हूँ। पहले की फ़ोटोज़ तो देखी थी लेकिन बाद की फ़ोटोज़ किसी ने नहीं देखी थी। तो राखी ने किया था मेरा मेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा लाइट सा मेकअप था, और इतने प्यार से हम लोगों ने वो वीडियो शूट की थी, हंसते खिलखिलाते खुश होके, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे मेरे को, और मैं खुश भी हो रही थी कि लोग देखो कितना अप्रिशिएट करते हैं, बाकी लोग कितनी बातें बनाते हैं आसपास के या फिर रिश्तेदार लोग तैयार होने पे, और लोग कितना बढ़ावा देते हैं, कितना हौसला बढ़ाते हैं, नहीं तुम मेकअप करो, ये है वो है। और शाम के टाइम पर ही देखो जब मैं गई अपने घर पे, और जब मैं अपने घर पे भी थी ना, अजीब सा घर में ना अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो रहा था। ये नहीं पता था लाइफ में इतना बड़ा अंधेरा हो जाएगा, घर में ही अंधेरा हो जाएगा उस दिन ना, इतना अजीब सा लग रहा था। और फिर मैं जब घर पे गई, घर का मतलब माहौल भी अजीब सा, एकदम नेगेटिव वाइब्स आ रही थी जब मैं घर पे गई। बाहर मृत्यु जी का मतलब जो है जाप चल रहा था, फ़ोन में ही चला रखा था मम्मी ने, और मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही पापा जो है ख़त्म हो गए थे, और उसी टाइम जो है वो जाप भी ख़त्म हुआ था। ख़त्म होते ही जो है मेरे पापा चले गए थे मेरी आंखों के सामने। और जिस टाइम मतलब मैं गई थी ना, उस टाइम पापा एक्टिविटी कर रहे थे, देख रहे थे, रिस्पांस कर रहे थे, जैसे बोलो बात करो तो रिस्पांस दे रहे थे, और ऐसे ही मतलब बात करते करते ही चले गए, जैसे पिक्चरों में होता है ना उसी तरीके से पूरा दम तोड़ा था पापा ने। उस टाइम मैं थी, बड़ी मम्मी थी, बस हम तीनों ही थे, हमारे सामने ये सारी चीज़ें हुई थी। वो चीज़ें याद करो ना तो मतलब बहुत अजीब लगता है, बहुत गंदा लगता है कि ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है इतनी मतलब कम उम्र में। दीपक को बिल्कुल मैंने अपने सामने देखा, और पापा को भी बिल्कुल सामने देखा। तो जब ये डेट्स करीब आती हैं ना, तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद आ जाती हैं। मेरे को ना अंदर से बहुत अजीब सा लगता है, बिल्कुल आँखों के सामने सारी चीज़ें दिखी है 2 जनों की जो इतने करीब थे, मेरे पापा, दिया के पापा, दोनों को, दोनों ही चले गए। और मतलब क्या कहूँ मैं, आज पूरे मतलब 2 साल हो गए, सब लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पापा को। पापा ने बहुत टाइम हमारे संग स्पेंड किया है, रिटायर हो गए थे वो, 60+ थे, और दीपक ने ज़्यादा टाइम मेरे संग तो बहुत टाइम बिताया, मेरे फैमिली के संग बहुत टाइम बिताया। मेरी मम्मी शादी से पहले से ही जानती थी, और बाकी रिलेटिव्स लोगों ने मतलब बहुत कम टाइम बिताया दीपक के साथ। तो लेकिन फिर भी दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं दोनों को ही बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और पापा के संग बहुत टाइम बिताया था, और क्या कहूँ क्या कहूँ, दिया को आज मैं बोल रही थी, दिया आज नानू चले गए थे हमको छोड़ के, नेहा से भी मेरी बात हुई, लेकिन हम ना आपस में कभी नहीं करते इस तरीके की बातें। जैसे मैं दीपक की भी कोई डेट होती है ना, मैं 2-3 दिन पहले से ही परेशान हो जाती हूँ, और उस दिन ना मैं कोशिश करती हूँ मैं घर भी ना जाऊँ, सामने भी ना पढ़ूँ, और मैं किसी से बात भी ना करूँ, मैं अवॉइड करती हूँ उस दिन। ऐसे ही जो है आज का दिन होता है, ऐसा लगता है कि बस निकल जाए ये दिन किसी ना किसी तरीके से, किसी से बात ना करनी पड़े, किसी से कुछ बोलना ना पड़े, ऐसा सा फील होता है। होता है ना, जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से ये चीज़ें शेयर करने में बहुत घबराते हैं, बहुत शाय फील करते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है, छुपा जाते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें छुपा जाते हैं।
तो बस आज का दिन शाम तो हो ही गई है, निकल जाएगा और शाम होगी ना फिर और ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें शाम के टाइम ही हुई थी। मैं शाम को गई थी, मेरे सामने जाते ही सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। बाय बाय।